नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा एक ऐसी सब 4 मीटर SUV जिसको इंडिया में लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कारण है इसका बेहतरीन लुक, डिजाइन, इंजन और कंपनी का नाम। मारुति सुजुकी एक ऐसी कार मेकर है जिनके हर गाड़ियों को औरों से ज्यादा पसंद किया जाता है, तो जाहिर है इसे भी अपने सेगमेंट में ज्यादा ही प्यार मिलेगा। हालांकि फॉर्चुनेटली ये SUV कंपनी के दूसरे गाड़ियों के तरह कमजोर नहीं है, क्योंकि इसने 2018 में हुए ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार जैसे अच्छे रेटिंग्स स्कोर किए हैं। और आज मैं आपको इसी 4 स्टार रेटेड विटारा ब्रेज़ा का एक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ, जो उत्तराखंड से मिस्टर अनिरुद्ध कोठारी जी ने मुझे मेल पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तराखंड के रामनगर में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेज़ा से 2 लोग 40-50 के रफ्तार में कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उनके सामने रॉन्ग साइड से एक अनकंट्रोल्ड ट्रैक्टर आया और सीधा SUV के फ्रंट में घुस गया। यहां पर बताया गया है कि ट्रैक्टर का ड्राइवर ड्रंक था, इसीलिए वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। जो भी हुआ काफी बुरा हुआ। फोटोज में आप दोनों गाड़ियों की हालत साफ देख सकते हैं। जबरदस्त टक्कर के बाद जहां एक तरफ ब्रेज़ा का बोनेट, बम्पर, रेडिएटर, हेडलाइट, ग्रिल और फेंडर डैमेज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर में भी कुछ हद तक नुकसान आ गया है। बात करें पैसेंजर्स की तो अनफॉर्चुनेटली ब्रेज़ा के एयरबैग्स ना खुलने की वजह से उसमें बैठे लोगों को चोटें आ गईं, जबकि ट्रैक्टर का ड्राइवर वहां से भाग गया। यहां पर इम्पैक्ट काफी तगड़ा था, लेकिन फिर भी SUV का एयरबैग नहीं खुला। अब इसका रीजन एग्जैक्टली क्या है वो कंपनी ही बता सकती है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि ब्रेज़ा बहुत ही लिमिटेड स्पीड में थी, अगर ये थोड़ी भी तेज होती तो नुकसान काफी ज्यादा हो जाता। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।